नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन एशियन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बहुत जल्द बिहार एनडीए में घमासान देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस बार चुनाव में जेडीयू और एलजेपी के प्रत्याशी भी आमने सामने देखने को मिलेंगे। जी हां, बिल्कुल, एलजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 123 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ एलजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य सह प्रवक्ता संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारना चाहिए और इस बात की मांग आज वो संसदीय बोर्ड की बैठक में करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें चिराग पासवान के अलावा जितने भी एलजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और वो सभी लोग अपने अपने सुझाव इस बार चुनाव को लेकर देंगे, जिसमें संजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोजपा इस बार चुनाव में 123 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी। आज जो बैठक होने वाली है भारत जनपथ में चिराग पासवान के साथ है, क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग दिल्ली आए हैं सर? देखिए, आज जो हम लोग का संसदीय बोर्ड का बैठक है, उस बैठक में निश्चित रूप से मैं सदस्य होने के नाते मैं अपनी मांग रखूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास कि जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कभी कालिदास बताया जा रहा है, जब वो बिहार के विकास की बात को उठाते हैं तो उनको लोग बागी कहते हैं, तो इस प्रकार से जब बातें हो रही हैं तो हम लोग अब बिहार की अभी जो हालात है उसमें बिहार के विकास को बात करते हुए निश्चित रूप से मैं अपनी मांगों को रखूंगा कि आज के डेट में हम लोग को 123 सीटों पर जहां भी जेडीयू का कैंडिडेट लड़ेगा वहां पर लोजपा अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग को वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी मांग आज मैं इस मीटिंग में अपने माध्यम से रखने जा रहा हूँ।